अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के किसानों द्वारा भागीदारी की गई। वहीं मेले का उद्घाटन अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा किया गया, जिसके चलते मेले में कृषि उपकरणों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर अजय टमटा ने कहा कि आज इस तरह के मेलों से यहां के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नई कृषि नीति के द्वारा आज पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को लाभ दिया जा रहा है। अल्मोड़ा से संवाददाता सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। देखिए, किसान जो है देश का अन्नदाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगुनी करने के लिए 2022 तक बढ़ाने का वादा किया है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान मेला लगा है आज। और इसमें जैसे हमारे सांसद जी भी कह रहे थे कि किसानों को किस तरह हम सुविधा दें, अत्याधुनिक जो हमारे उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, फार्मिंग उपकरण हैं, उनको किसानों तक पहुँचाएँ। अगर किसान समर्थ नहीं है तो उसको क्लस्टर के माध्यम से उनको इसकी सुविधा दें, जो 80% उसमें हमको सब्सिडी मिल रही है, और अन्य नए नए बीज हैं, प्रमाणिक बीज के द्वारा हम किसानों की आय दुगुनी कर सकते हैं। किसानों को जो टेक्नोलॉजी है हमारी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, नई तकनीकी व्यवस्था के तहत हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए आज किसान मेला यहाँ पर लगा है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से समय समय पर किसानों के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, और मेरा ये सौभाग्य कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम लगातार रहते हैं, चाहे वो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में। और ये कि बहुत बड़ा अनुसंधान का अपने आप में केंद्र है कोसी का, ये अपना अनुसंधान जिसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना और बीजों पर अध्ययन करके जो नए सीड हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनका विजन है, तो ऐसे आज सभी लोकसभा क्षेत्र के मेरे किसान भाई बहन यहाँ आए हैं। और नई तकनीक जो आई है पूरे देश दुनिया के अंदर, उससे भी किसानों को अवगत कराना, जो नए उपकरण आए हैं कृषि से संबंधित, उनको भी लोगों तक पहुँचाना, और कृषि के उत्पाद को क्या अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे हम इंटीग्रेटेड फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का ये मेला है।